मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए यहां पर आए, क्योंकि एक हमारे यहां पर जब बात की गई किसे सम्मानित किया जाए तो हिंदुस्तान में यार ये पब्लिक मीटिंग की दिक्कत हो जाएगी यार। सुरेश जी मौजूद हैं, सुरेश पाड़कर जी, क्या बात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए हमारे जितने अतिथि महोदय यहां मौजूद हैं। बसा, खाली बसा। तबीयत अजीज जी इस समय हमारे साथ में मौजूद है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कमान वाड़कर ले खाली गए जिस तरह से समझ आ रहे हैं। एक बार जोरदार अब तो जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि उम्र से बड़ी जिंदगी और जिंदगी से बड़ा किरदार होता है। एक ऐसे ही शख्सियत का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के शिखर पुरुष। उस्ताद जी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के रामपुर सहसवान घराने से रहा। 3 मार्च 1931 में यूपी के बदायूं से उन्होंने एक यात्रा की। महज 4 साल की उम्र में उनके वालिद उस्ताद वारिस हुसैन खान साहब से संगीत की तालीम मिलनी शुरू हुई और 8 साल की उम्र आते आते आप सार्वजनिक कार्यक्रम पेश करने लगे थे और आगे आपका संगीत में सफर तकरीबन 80 सालों तक लगातार चलता रहा। उस्ताद जी ने अपनी गायकी में सुर, लय, ताल अद्भुत, मतलब अलहद अंदाज पेश हो, एक अलग ही अंदाज में थे। उनका तरीका बात करने का मैं बहुत बार मिला उनसे, बहुत प्यार से मिलते थे। चाहे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कलाकार जो उनके आज भी शागिर्द हैं, बहुत खुशी की बात है। एक तरह से कह सकता हूं कि ख्याल गायकी के सभी अंगों पर उनकी गहरी पकड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ दादरा, ठुमरी, सगुन संगीत हो, अपने खास अंदाज में उन्होंने इस बात को मानते हैं कि अगर वो थे उनसे शिक्षा ली, इसीलिए आज इस मुकाम तालीम चाहिए। बैकबोन कह सकते हैं
परिवार की हमारी महिलाएं होती हैं, हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, बीवी होती हैं, और उन्हीं के द्वारा आज हम लोग, कोई भी मर्द अगर सफल है तो सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का होता है। आज हमारे बीच में उनके धर्मपत्नी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ में मुर्तजा जी यहाँ मौजूद हैं, कादिर भाई हैं, रब्बानी जी हैं, हसन जी हैं, इन्होंने परंपरा शुरू की और ये कमाल किया। और रब्बानी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों चाहिए। रब्बानी भाई के लिए, रब्बानी भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा माइक्रोफोन अगर मिले तो, क्योंकि ये परंपरा। जाकिर भाई हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू अस एंड टू माय फादर आल्सो, तो एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स इन द कंट्री, सो डेफिनेटली हर साल वील डू अ शो कॉल्ड हाजरी एंड इट्स अ हम्बल ट्रिब्यूट टू माय लेजेंडरी फादर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। मैं पिछले शो में भी आपके था और आपने कई जगह पर ये बात का जिक्र किया जितने पिछले शो किए हैं, कि अब हमारा जो NR टैलेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट हमेशा की तरह कुछ क्लासिकल लेकर आता है, कुछ नया लेकर आता है, अनूठा लेकर आता है, तो इस पूरी टीम के बारे में बात करिए प्लीज, बताइए। इरादा हमारा ये है कि हम हर साल पापा के शागिर्दों के साथ और उनको जितने लोग प्यार करते थे उन लोगों के साथ में एक शो करेंगे, साथ ही में हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को भी प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए कल हमारे वहाँ एक शो हुआ था जो हमने थाना में किया था, उसमें पंडित वेंकटेश कुमार जी थे एंड राकेश चौरसिया जी थे एंड पूर्वेन चैटर्जी। तो एवरी ईयर वी प्लान टू डू समथिंग लाइक दिस एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी विल डू 5 cities। क्या बात है, जोरदार तारी होनी चाहिए। और मुर्तजा जी सबसे बड़े हमारे बीच में मौजूद हैं, और मुर्तजा भाई अधिकतर ऐसा होता है कि एक खानदानी परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा आगे भी बढ़ेगी, तो इस परंपरा के बारे में बताइए कि पिताजी ने जो काम किया वाकई काबिले तारीफ है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है क्लासिकल म्यूजिक की, और इसका ये है कि अब हम लोग बच्चे भी गा बजा रहे हैं घर में और पापा के सब शागिर्द हैं, हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे लिया जाए। और उसी में आज जैसे सोनू निगम है, ये भी हमारे भाई हैं, खान साहब के बेटे ही हैं, तो ये आज हाजिरी दे रहे हैं खान साहब को, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और इंशाल्लाह ये गाना बजाना आगे बढ़ता रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी आ गई है जिनका इंतजार है, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में क्या बोलूं मैं, आप लोग फिल्मी संगीत हो हर क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, ग्रैमी अवार्ड हो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान हो, हर बार एक नया पड़ाव दिया है हिंदुस्तान को। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम लोगों को जिन्होंने जाकिर साहब को सुना देखा, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब ऐसे लेजेंड हमारे साथ में होते हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम सम्मानित कर रहे हैं ऐसे शख्स को जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान, इनके और इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है हिंदुस्तान को, और 3 साल की उम्र से जो इन्होंने शुरुआत की और आज तक हमारे साथ हैं और अपनी थाप के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जाकिर हुसैन साहब के लिए, जोरदार तालियां। ये परंपरा गुरु की, शिष्य की, संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, ये परंपरा यूं ही हिंदुस्तान में चलती है और चलती रहेगी। कहते हैं भूतों न भविष्यति, न ऐसे कलाकार हुए हैं और ना होंगे जाकिर भाई जैसे, वाकई बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जाएगा नहीं तो क्या लूँ यार।
कुछ नहीं आने वाला। MV Studio and a company Khasa. For some reason they wouldn't allow me to leave the school half day. It was getting late. And Khasa was being pressured to use another tabla player who was already there, one of the staff tabla players of HMV. But he just put his foot down and he said, no, we'll wait for Zakir. And he will come and then we'll be ready. And I came and we did the record, and it was just one of the most landmark crowning moment of my life, and one of the most confidence boosting event in my life, which I can never forget. And this award coming out round circle and following the great Pandit Hari Prasad Chaurasia ji, who got it last year, it is just a moment of immense humbling as well as blessing to be receiving this incredible award and having some of my great mates like Suresh ji, Prabhani bhai, Amare bhai saab here, Hariharan ji, Talat bhai, Amma, who seen me when I was height ke sab. So again, thank you all very much. थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके जोरदार ताली होनी चाहिए लगन भाई के लिए। बहुत गर्व और खुशी की बात है, ये सम्मान बहुत कम लोगों को मिला है। लगन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ रखें। हरिहरन साहब इसमें मौजूद है। ओहो हरिहरन साहब, इतना बड़ा आयोजन लगन भाई को सम्मानित किया जा रहा है, मैं चाहूंगा दो शब्द। गुड इवनिंग, नमस्कार डॉक्टर अमीश, नमस्कार सुरेश, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी मैं लेट हो गया, बाकी एनीवे आई वोंट टॉक ऑफ द ट्रैफिक एनीवे, बट आई एम रियली हैप्पी, वी आर ऑल सो हैप्पी बिकॉज आई नो खासा विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज ही लव जाकिर भाई सो मच, एंड टुडे वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू honor him. Sir, thank you so much. Such a great honor. क्या बात है जी, आशीष सरवर साहब इसमें मौजूद हैं। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है जाकिर भाई को। सुरों की महफिल में बेसुरे का क्या काम है, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि खान साहब को सभी चाहने वाले सालों साल उनको सुनते रहे। ये मेरी खुशनसीबी रही कि मैं उनको लगातार मिलता रहा, सभी उनके परिवार के सदस्य को मिलता रहा, उनके साथ एक साथ भोजन करना, गपशप करना, ये भी मौका मिला। खान साहब की ऊंचाई तो अपने आप में अपने क्षेत्र में चंद्रमा को छूने जैसी ही है, और उसके उनके नाम से उनकी याद में एक अवार्ड, और वो भी ऐसे ऊंचे शख्स को जो अपनी अदाकारी में तो इतना ऊंचा है लेकिन अपने जीवन में इतना नम्र है, उस शख्स का नाम जाकिर साहब है, और उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें मैं मौजूद हूं, ये भी मेरी खुशनसीबी है। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि आप सबको अगला प्रोग्राम भी देखना है, तो आपको फिर एक बार बहुत सारी थैंक यू। तो बेसब्री।